देश भर में हिंदुओं की हो रही हत्याओं के विरोध में आज हिंदू समाज की ओर से पद यात्रा निकाली गई। देश भर में बढ़ रही आतंकी घटनाओं, खासकर उदयपुर में कन्हैया कुमार और अमरावती में हुई उमेश कोल्हे की आतंकियों द्वारा हत्या किए जाने के विरोध में ये पद यात्रा रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर सरकार द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की गई। पद यात्रा रैली का आयोजन महाराष्ट्र के पालघर जिले के नालासोपारा में रविवार दिनांक 24 जुलाई को समस्त हिंदू समाज के द्वारा निकाली गई। यह रैली नालासोपारा पूर्व की व ओसवाल नगरी से शाम लगभग 4:30 बजे से शुरू होकर आम्बावाड़ी में जाकर समाप्त हुई। पद यात्रा में शामिल लोग हाथों में संदेश लिखी तख्तियां लेकर सरकार को हिंदुओं के विरोध में हो रही घटनाओं और नियंत्रण लाने और ऐसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाले आतंकियों को फांसी दी जाने की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर लगभग विभिन्न हिंदू संगठनों के प्रमुख और वरिष्ठ पदाधिकारी किन्नर समाज से आने वाली महामंडलेश्वर हिमांगी सखी सहित काफी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग और उनके कार्यकर्ताओं ने अपनी सहभागिता दर्शाई। कार्यक्रम के आयोजन के मद्देनजर मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की वसई विरार पुलिस की टीम ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था, जिसमें डीसीपी एसीपी के नेतृत्व में 7 वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, 58 एपीआई और पीएसआई महिला पुलिस बल, 22 एसआरपी के जवान, 16 होमगार्ड और 5 महाराष्ट्र सुरक्षा बल के जवानों सहित क्राइम ब्रांच की टीम ने मोर्चा संभाल रखा था। आप देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार। अरे जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, मात्र भूख के काम का है वो बेटा जानी है। जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, फांसी दो कन्हैया लाल के हथियारों को, फांसी दो फांसी दो उमेश कोल्हे के हथियारों को, फांसी दो फांसी दो उमेश कोल्हे के हथियारों को, फांसी दो फांसी दो। क्योंकि पालघर के अंदर साधुओं की निर्मम हत्या हुई है, साधुओं के हमारे संतों की निर्मम हत्या हुई है। आज अगर कल आने वाले कल में अगर एक किन्नर संत की निर्मम हत्या होगी तो उसके ऊपर किसके ऊपर ये जाएगा। इसीलिए हमने ये शोभा यात्रा के माध्यम से और चैनल के माध्यम से ये जन जन को बता रही हूँ कि मुझे भी मृत्यु का भय नहीं है, हमें मारने की धमकी मिली है, हमें कोई डर नहीं है, हम ज्ञान व्यापी जाएंगे और वहां जाके जला अभिषेक इस श्रावण में कावड़ उठा के हम करेंगे। ये मैं घोषणा करती हूँ मीडिया के माध्यम से। Yeah!
संगठित हो जाएंगे तो किसी की ताकत नहीं है हिंदू के ऊपर हमला करने की। हमारा प्रयास एक ही है, सिर्फ हिंदू को जागरूक करें, और जैसा हिंदू जागरूक होगा ये हमले बंद हो जाएंगे। हम मंदिर से प्रसाद लेके बाहर निकलते, ये पत्थर लेके बाहर निकलते, ये कौन सा कानून है? न्याय व्यवस्था को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर हिंदू के ऊपर हमला हो रहा है तो हिंदू क्या इंसान नहीं है क्या? वो भी एक इंसान है, उसके बारे में भी सोचो। ये सेक्युलर वाले जो है, सोनिया गांधी वगैरह, वो भी सोचती है जो हिंदू को हमला होता है तो कोई नहीं आती है, उसके ऊपर अत्याचार बलात्कार होता है तो कोई नहीं आता है, अगर दूसरा कोई भी समझ का है तो कोई भी दसों जन घुस जाते हैं वहाँ। तो हमको एक ही कहना है, हिंदू के बाजू में हमेशा खड़ा रहने वाला चाहिए। हम हमेशा के लिए हर हिंदू के बाजू में खड़े हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो या राजस्थान में हो, सब हिंदू के साथ में हम कायम खड़े हैं। बस हिंदू का जागरूक करने का यही काम है हमारा, ये एक हिंदू को एकत्रित करने का मार्ग है। हाँ बोलिए सर। सभी हिंदुओं को जागरूक करने का आज का दिन है, आज के दिन में हम सभी हिंदू आज जागरूक हो जाएंगे। ये जैसे एक पत्थर एक घर से एक जन नहीं है, दस जन निकलते, हम लोग हर घर से हर एक जन निकलेगा। आज तक हिंदू सहता आ रहा है, आज तक हिंदू सहन करता आ रहा है, तो आज के बाद हिंदू कभी नहीं सहन करेगा। आज के बाद तुम दस निकले, हम सो निकलेंगे। बोलो जय श्री राम। हाँ बोलिए आरती जी। आज का जो संगठन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम भारतीय महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, हमारी भारतीय संस्कृति क्योंकि देखिए यहाँ हमलावर बढ़ते जा रहे हैं और हम हाथों में हाथ रखे बैठे हैं। ये कहीं सही नहीं है, ये न्याय नहीं है हमारे लिए। इसलिए आज सभी हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और मैं भारत की सभी जनता से, सभी हिंदुओं से मैं यही आग्रह करना चाहूँगी कि हम जैसे निकले हैं इसी तरीके आप भी सभी एकत्रित हो, ताकि किसी कन्हैयालाल का दूसरा जन्म ना हो।